सॉरी, बचपन में मोमेंट्स होते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, खास करके जब आपको पता है आपने गलती की है, सी सॉरी, वो उसी वक्त उस चीज को शांत कर देगा। हम मानना नहीं चाहते। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं है, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं ये बोल के कि वैसा होगा तो गुस्सा आएगा ना। ये बोलना बंद कर दीजिए कि नहीं, मुझे आया एंड दैट्स रॉन्ग एंड आई एम सॉरी। तो ये चीज अपने आप जो मैनेजमेंट है ना एंगर का, यही मैनेज करने का तरीका है। पर हम डिफेंड करने लग जाते हैं अपने आप को कि तुमने ये किया तो आया, ऐसा हुआ तो आया, ये प्रॉब्लम थी तो आया। ये बोलना बंद कर दो। कहीं ना कहीं बोलने से भी हमारी चीजें हम जस्टिफाई करने लगते हैं और वो हमारे दिमाग में भी जस्टिफिकेशन हमको मिल जाता है कि नाउ डोंट से सॉरी, क्योंकि तुमने तो रीजनिंग दे दी ना किस वजह से हुआ। जैसे आपने कहा कि वर्कलोड, तो आपने मान लिया कि वर्कलोड है तो गुस्सा आएगा। ये जनरल है, हर कोई करता है, हम सब करे हुए हैं, लेकिन ये एक समझने की बात है कि आपने बोल दिया दिमाग को, तब तो दिमाग सॉरी बोलना ही नहीं चाहेगा। किसने तो मान लिया मेरी थोड़ी गलती है, गलती तो काम की थी, गलती तो सामने वाले की थी, गलती तो सिचुएशन की थी, तो मैनेज नहीं।